तीन प्लेयर्स किया था एटलांटिक, उसको इन्वेंशन जो है फुटबॉल प्लेयर ने किया था, लेकिन हेड से मारना, उसके बाद ये लेग से मारना। प्रैक्टिस हम लोग का दो महीना से नहीं हुआ है, इमरजेंसी होने का वजह से हम लोग को टेबल वेबल जो यहाँ का अच्छा से इक्विपमेंट सब कुछ सेटल होकर प्रैक्टिस नहीं कर पाया है। नेशनल चैंपियन लोग का साथ खेलने को मौका मिला है, फर्स्ट टाइम में ही हम लोग क्वार्टर फाइनल तक पहुँचा था। हम लोग जो खेलने गया था वो ट्रैक बॉल, वो जस्ट हम लोग का स्टेट में नया है, तो पहले बिफोर टू माउंट्स मैंने उसको लॉन्च किया था और जर्सी लॉन्चिंग किया था। उसके बाद हम लोग को ये इन्विटेशन आया था कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया से कि पोर्ट चैम्पियनशिप का पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसी के लिए हम लोग जाके पार्टिसिपेट करके आए हैं। ये जो नया है हमारा स्टेट में नहीं, सिर्फ नहीं है कंट्री में भी नया है, इसलिए नेशनल लेवल का अभी 4 ईयर्स ही हो रहा है, चल रहा है। तो वर्ल्ड में तो ये तो बहुत फेमस है और फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ द स्पोर्ट्स उसका इवेंट है। ये जो है टेक बॉल जो है उसको इन्वेंशन जो है फुटबॉल प्लेयर ने किया था, लेकिन उसको खेलने वाला अलग ही खेलता है, जो उसका अलग ही प्लेयर है जो खेलता है ना, वो जो प्लेयर जो अलग ही खेलता है, उसका जो हेड से मारना, उसके बाद ये लेग से मारना, ये सब अलग ही खेल है, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। टेक बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया उसको फॉलो कीजिए, वहाँ में आपको सारा डिटेल मिल जाए उसका खेल का बारे में, उसका खेल का इम्पोर्टेंस का बारे में आपको मिल जाएगा। उसको सबसे पहले तो हमारा लड़का को हम बहुत अप्रिशिएट करता है, तो हमारा लड़का जो है विद इन 1 माउंथ में उन जस्ट टेबल टेनिस बोर्ड में उन लोग को मैंने ट्रेनिंग दिया था, जो उसका रूल्स का बारे में, ये जो उसका आर्टिकल्स का बारे में, उसको जो है यूट्यूब की चैनल माध्यम से उसको ये ट्रेनिंग दिया गया था। तो उसी के नाते उसी ट्रेनिंग का मुताबिक से उन लोग जाके फाइनली उन लोग जो है क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा है। तो इसके लिए मैं मेरा प्लेयर लोग को, मेरा लड़का लोग को, मैं उसका हिम्मत को मैं बहुत दाद देता हूं। इसके लिए तो बहुत अच्छा सवाल किया है, तो उसको जो है हम लोग जो है स्पोर्ट्स जो है बहुत सा स्पोर्ट्स है यहाँ में, 65-66 प्लस ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट में, स्पेशली हमारे स्टेट में। तो इसमें से हम भी एक फैमिली है, टेकबॉल फैमिली बोलता है उसको, जैसे कि फुटबॉल फैमिली हो गया, फुटबॉल फैन जो फुटबॉल फैमिली होता है, आपका क्रिकेट का फैमिली होता है, जो एक ये जो एक फैमिली जैसे ही है, मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसी हिसाब में जो आदमी का मैनी माइंड जो आदमी का जो है इंटरेस्टेड का ऊपर है, तो उन लोग जो है जिस तरह से इंटरेस्ट करता है उसी से। तो मैं जितना अनएम्प्लॉयमेंट जितना यूथ लोग से मैं उतना ही अपील करेगा कि हमारा टेकबॉल फैमिली में भी जोड़ने के लिए कोशिश की जाए। ये एक हमारा एक ये जस्ट प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग अपना टैलेंट को दिखाने का एक सिर्फ ये जरिए है हमारा एसोसिएशन जो, हमारा जो ये जो है डिपार्टमेंट जो है, तो इसमें आपका टैलेंट को दिखाएगा तो आगे जाने के लिए बहुत सा जगह है। अभी ये लोग नेशनल लेवल प्रेजेंट करके आया, ये लोग कल को कोच बनेगा, ये लोग कल को ट्रेनर बनेगा, उसके बाद और नेशनल लेवल में और जाना है, और ये नया स्पोर्ट्स है, तो इसके लिए ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है, तो कल को फ्यूचर में ये तो बहुत इंपॉर्टेंस होगा। तो इसलिए मैं जितना यूथ को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, हमारा टेकबॉल का ये जो पेज को फॉलो कीजिए, वहाँ में अच्छा अच्छा मिल जाएगा, और हमारा ऑफिस में कॉन्टेक्ट कीजिए जो इंटरेस्टेड है। तो हम लोग ये नेक्स्ट अगले बार में 2024 में नेशनल चैम्पियनशिप में क्वालिफाई होने के लिए जितना यूथ है उन लोग भी इस तरह से क्वालिफाई होके खेल के आने के लिए जो है यूथ लोग जो है आज से एक्टिव पार्टिसिपेंट करो बोल के मैं उतना ही मैं अपील करूँगा। इसमें हम लोग चार गया था, क्योंकि मैं एज ए प्रेसिडेंट एज ए गाइडेंस हिसाब में मैनेजर हिसाब में गया था, और हमारा साथ तीन प्लेयर्स गया था एटलांटिक गया था, मेन डबल और मेन सिंगल दोनों को सिर्फ पार्टिसिपेंट करने किया था। इसमें हम लोग का तीन प्रकार का होता है, मिक्स होता है, उसका बाद ओमेन सिंगल एंड डबल होता है, मेन डबल एंड सिंगल होता है। तो सारा मेन को हम लोग पार्टिसिपेंट करके आया है, तो ओमेन और उसको मिक्स को हम लोग नहीं ले जा पाया, तो उसको अगला बार हम लोग ले जाने के लिए कोशिश करेगा। अभी नेशनल लेवल में हम लोग एज ए उन इंटरेस्ट एज ए ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से हम लोग जो है उसको स्पॉन्सर बियर करके जो है हम लोग लड़का लोग को नेशनल लेवल लेके गया। तो अभी हम लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग अभी अपील करेंगे, और अभी तक हम तो स्टेट लेवल को बात किया ही नहीं है, अभी हम लोग बात करेंगे, उसको भी
हमारा टेकबॉल को भी जोड़ने के लिए स्टेट स्पोर्ट्स में उसको स्पेशली हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। हम लोग का जो जर्नी है दो महीना पहले शुरू हुआ है, एज एसोसिएशन खोल के हम लोग को फिर प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। तो फिर हम लोग का प्रैक्टिस एक्चुअली दो महीना से हम लोग का जर्नी शुरू हुआ है, पर प्रैक्टिस हम लोग का दो महीना से नहीं हुआ है, हम लोग का प्रैक्टिस एक महीना से हुआ है। तो रिसेंटली फेडरेशन ऑफ इंडिया हम लोग को बहुत जल्दी में इमरजेंसीली नोटिफिकेशन दिया है कि बोर्ड नेशनल चैम्पियनशिप होने वाला है। तो उसका वजह से हम लोग इमरजेंसी होने का वजह से हम लोग को टेबल वेबल जो यहाँ का अच्छा से इक्विपमेंट सब कुछ सेटल होकर प्रैक्टिस नहीं कर पाया है। हम लोग यहाँ में टेबल टेनिस का ऊपर में प्रैक्टिस करके यहाँ से गया है एंड एक्सपीरियंस हम लोग को एज ए प्लेयर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। यहाँ से हम लोग नेशनल चैम्पियनशिप गया है, वहाँ हमें नेशनल चैम्पियन लोग का साथ खेलने को मौका मिला है और हर स्टेज से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर का साथ खेलने का मौका मिला है। तो एज ए प्लेयर वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो जैसे आप लोग हम लोग को बोला यहाँ से छोटा है वहाँ में बड़ा, तो अच्छा है हम लोग वहाँ में बड़ा लोग का साथ खेलने को मौका मिलता है तो हम लोग को सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है। जब हम लोग अपना बराबर लोग का साथ खेलता है तो फिर हम लोग तो सेम लेवल में होके रहता है, लेकिन जब हम लोग किसी बड़ा लोग का साथ खेलता है जब खेलने वाला आने का साथ में खेलता है तो हम लोग को उन लोग का जो आइडिया होता है, उन लोग का जो खेलने का तरीका होता है, उसको हम लोग कैचअप करके अच्छा और खेलने के लिए कोशिश करने का मौका मिलता है। इस बार हम लोग फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम में ही हम लोग क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा था एंड अनएक्सपेक्टेड हम लोग क्वार्टर फाइनल में आउट हो गया। तो इस बार अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम में होता है बोलने से यहाँ में अच्छा से इक्विपमेंट सेटल करके हम लोग अच्छा से और बेहतर कोशिश करने के लिए अच्छा से पार्टिसिपेट करने के लिए कोशिश करेगा। इन स्पोर्ट हर किसी का एक अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है, किसी को हम लोग नहीं बोल सकते यहाँ में ज़बरदस्ती हम लोग का साथ खेलो बोल के, बट हम यही बोलना चाहेगा कि एक नया स्पोर्ट है और अरुणाचल के लिए और इंडिया के लिए भी नया स्पोर्ट है। तो यहाँ में आप साथ में जोड़ेगा तो आपको जल्दी से अपना आपका पास टैलेंट होगा तो आपको आगे जल्दी बढ़ने का मौका मिलेगा। तो अगर आपका पास टैलेंट है और इंटरेस्ट है स्पोर्ट में तो हम तो यही अपील करना चाहेगा कि आप लोग जो इंटरेस्ट है स्पोर्ट में यहाँ में हम लोग का साथ ज्वाइन करो, हम लोग का साथ में खेलो और नेक्स्ट को हम लोग एज हम लोग तीन प्लेयर होते रहेगा तो फिर हम लोग को ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बट अगर हम लोग यूज में होके ज़्यादा आदमी पार्टिसिपेंट ज़्यादा प्लेयर होता है बोलने से हम लोग सिलेक्ट करके ना अच्छा से अच्छा बेहतर प्लेयर को यहाँ से नेशनल में जाके रिप्रेजेंट करने के लिए हम यही बोलना चाहेंगे।